जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेक श्योर माय वॉइस इज़ क्लियर। अच्छा, जितने भी व्यूअर्स जो वो लाइव हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में बताते जाएंगे, अगर वॉइस का इशू हो तो आप अपने साथ साथ जो है वो कमेंट करते जाएँ। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा। तो आप काइंडली दूसरों को भी जो वो टेक करते जाएं और उनको उनके साथ जो लिंक शेयर करें ताकि जो सबसे सब जल्दी लाइव आ जाएं। वैसे टाइमिंग 1 to 2 की थी, लेकिन लेट ऑल द व्यूअर्स कम। या श्योर, मेक श्योर यू कैन शेयर। पानी पे आज का हमारा जो टॉपिक है बायोमैकेनिक्स चैप्टर 6 है, उसके कुछ टॉपिक्स जो है वो डॉक्टर आपदा ने जो है वो लेक्चर नंबर 11 में क्लियर कर लिया था, लेकिन कुछ जो रिमेनिंग थे और कोशिश हम करेंगे कि पूरे चैप्टर को जो है वो थोड़ा बहुत थारोली कवर करेंगे, जस्ट हैव 1 आवर। लेकिन जो है बाकी व्यूअर्स पर आ जाए तो टाइम को भी हम थोड़ा सा टाइम का भी जो है वो नज़र ख्याल करेंगे, बिकॉज फ्राइडे एक्चुअली। तो लेट ऑल द व्यूअर्स कम, तो हम जल्द से जल्द लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा और भी जी नोट, जैसे ही सेशन स्टार्ट करना हो बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी भी आ जाएंगे। Mm-hmm.
टूवर्ड्स लाइव है वो काइंडली अपने जो है वो कमेंट में भी बताते जाए। जी तो अपने तो बता दीजिएगा जिस टाइम सेशन स्टार्ट करना हो, ठीक है, हम बस 5 मिनट और वेट करेंगे तो उसके बाद सेशन स्टार्ट कर देंगे। चलें जी तो सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसके बाद फिर डेफिनेटली फ्राइडे है, जुमा है, तो जुमा नमाज का जो है वो टाइम भी हो जाना है। जी वालेकुम सलाम। चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 6 जो है वो बायोमैकेनिक्स चैप्टर 6 हम सॉरी 6 बायोमैकेनिक्स का जो चैप्टर है, रेफरेंस बुक जो हमारे पास है वो सूजन जे हॉल है, और उन्हीं के साथ हम आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के ऊपर डॉक्टर अब्दुल जो है वो ऑलरेडी लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थॉरली उसको थोड़ा बहुत जो है वो देखेंगे। और उसके साथ साथ हमने सामने मेरे प्रेजेंटेशन भी खोली हुई है ताकि जो बुक है उनकी बुक्स की लाइन लाइन साथ साथ हम जो है वो देखते हुए चलते हैं। बहरहाल तो मैं थोड़ी सी इसकी कैमरा की सेटिंग करता हूँ ताकि आप जो है इसके ऊपर फोकस कर पाएँ, ठीक है। तो आई एम जस्ट टर्निंग माई कैमरा बैक। मेक श्योर अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड द वर्डिंग इज क्लियर, ठीक है। ठीक क्लियर है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मेक श्योर प्रेजेंटेशन क्लियर है। अगर किसी भी किस्म की जो है वो वर्डिंग वगैरह तो ये बुक बस प्रेजेंटेशन या बुक दिखाने से मुराद दिस इज़ नॉट अ प्रेजेंटेशन, ये बुक है, लेकिन दिखाने से मुराद कि आप लोगों को हमने साथ साथ जो है बुक्स को भी जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। तो ताकि जो है वो कोई इशू ना हो और आप जो है वो उस रेफरेंस बुक से डायरेक्टली जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स कि मैं इसकी सेटिंग कर सकूँ।
ठीक है, प्रेजेंटेशन जो वो क्लियर क्लियर सर, थैंक यू। चले जी, तो सेशन से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा बायोमैकेनिक्स चैप्टर 6 है ये, और सूजन जी हॉल 7th एडिशन है, ठीक है। इट्स एबल टू रीड, ओके, थैंक यू गाइस। ऑल सेट, तो मूव ऑन करते हैं हमारे से टॉपिक के साथ, जो हमारा पहला टॉपिक है, और बिहेवियरल प्रॉपर्टीज, बिहेवियरल प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलो टेंडनेस यूनिट, ठीक है। तो देयर आर फोर मस्कुलो टेंडनेस प्रॉपर्टीज, जो मसल की, अगर मस्कुलो टेंडनेस मतलब मस्कुलो टेंडनेस जहाँ पे मसल जो है वो टेंडन में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को जो है मस्कुलो टेंडनेस पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो चार बेसिकली किसी भी मसल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू हैं, डेफिनेटली मसल्स ही हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू में, तो बाकी हैं लेकिन कम, लेकिन मेजर जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू वो मसल है हमारे पास। तो जितने भी मस्कुलो टेंडनेस या कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, उनकी चार बेसिक जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि हर कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू स्ट्रक्चर्स में जो है पाई जाती है। हम यहाँ पर मसल्स की बात करेंगे, तो कौन कौन सी वो चार हैं, लिखा भी हुआ द फोर बिहेवियरल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिशू, तो उसमें से एक्सटेंसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, और ये साथ इरिटेबिलिटी और एबिलिटी टू डेवलप टेंशन है। एक्सटेंसिबिलिटी वो चीज़ है कि एक्सटेंसिबिलिटी जब किसी भी आप मस्कुलर स्ट्रक्चर या किसी भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को जब पुल करते हो अपनी ओरिजिन लेंथ से जो वो डिस्ट्रैक्ट करते हो और वो स्ट्रेचेबल है, तो वो एक्सटेंसिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी मसल को जब आप पुल करते हो तो उसके डेफिनेटली उसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे मसल की, जो कौन से फाइबर जो हैं उसमें पुल होते हैं, उसमें पैरेलल और सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी सिंपली ये है कि जब आप किसी मसल को स्ट्रेच करते हो या उसकी लेंथ में इंक्रीज करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंसिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। लिखा भी हुआ एक्सटेंसिबिलिटी इज एबिलिटी टू स्ट्रेच आर इंक्रीज लेंथ, क्लियर है। इलास्टिसिटी वो है कि जब आप किसी चीज़ को पुल करते हो और वो बैक टू जब आप उसको स्ट्रेच किया आपने और जैसे ही आप उसकी जो है वो स्ट्रेच छोड़ते हो, वो स्ट्रेस जो है वो छोड़ते हो, अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो वो कहलाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जिस तरह रबड़ है, मिसाल के तौर पर रबड़ होता है, जब हम उसको पुल करते हैं टू एंड से, जब हम उसको पुल करते हैं तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाती है इलास्टिसिटी। तो मसल्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी मसल को अनलेस हम जो है एक अरसे के लिए पुल करें, लेकिन अगर एक रेंडमली आप किसी मसल को स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो, तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मसल विच इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। आगे इलास्टिसिटी में बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट है, जिसकी सवाल भी थे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे जो है वो पूछे भी थे कि पैरेलल और सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पैरेलल और सीरीज़ में मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको एक मसल दिख रहा है ना, अब जो भी मसल की जो स्ट्रक्चर होगी ना, हमें पता है कि मसल में मसल बेली होती है, मसल जो है वो टेंडन होते हैं, मसल मेम्ब्रेन होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बस आप लोगों को जो डेमोंस्ट्रेट करता हुआ चलूँ कि मसल बेली पैरेलल और जो उसका कॉन्सेप्ट है सीरीज़ का, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप यहाँ पे चेक करें, ये नॉर्मल मसल लेंथ है, ठीक है, ये मसल्स की नॉर्मल लेंथ है, ये मसल की बेली है, ये मसल जो जहाँ पे बोन में जब लगता है तो विद द हेल्प ऑफ टेंडन, ठीक है। अब जो पैरेलल और सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है ना, वो मसल्स सीरीज़ जितने भी जो फाइबर्स हैं वो उनकी अरेंजमेंट है। अब आप चेक करेंगे जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ऊपर से मेम्ब्रेन है ना, और ये बीच में बेली है मसल की, और ये टेंडन, जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ये जो मसल मेम्ब्रेन है, मसल मेम्ब्रेन पे पैरेलल जो है इलास्टिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, थीके? ये पैरेलल इलास्टिक जो मेम्ब्रेन जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है वो मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं, और ये काम इसका क्या है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं तो इतना आसानी है उसको, तो वो थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, तो उसे हम जो है वो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो सीरीज़ है वो इसके साथ बिल्कुल होता है। आप इमेजिन करें मिसाल के तौर पर, मैं आगे इसका एक डायग्राम है इसके ऊपर दिखाता हूँ। अब आप देखें ये कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है जो कि हमने देखा था। अब जो सीरीज़ वाला है ये, जब ये रेजिस्टर्स आपने फिजिक्स में भी इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा होगा, अब ये इसके बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सीरीज़ वाला कंपोनेंट हो गया, तो ये सीरीज़ इलास्टिक कंपोनेंट होता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये टेंडन प्रोवाइड करता है, और ये क्या काम करता है, ये वर्क करता है एज अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग का मेन रोल क्या होता है कि जब भी आप उसको
स्ट्रेच करते हैं तो वो एनर्जी स्टोर करता है। तो एनर्जी जो स्टोरेज का काम है, ठीक है, वो काम है सीरीज का। और आप इसी कॉन्ट्रैक्चुअल कंपोनेंट के ऊपर चेक करें तो आपको पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा। अब ये है दो कंपोनेंट है इलास्टिक के, और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये कहाँ पे होता है, ये मेम्ब्रेन में होता है, ये मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। और इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। जब भी मसल आपको जो है पैसिवली स्ट्रेच करोगे तो आपको इंटरनली वो इतनी फील नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन ये क्योंकि ये बेसिकली मसल के फाइबर्स की बात हो रही है, तो एक मसल में जो है हज़ारों मायोफिब्रिल्स आगे हम पढ़ेंगे जो उसमें फिर कंपोनेंट्स हैं एक्टिव एंड फिल्म। बहरहाल तो जो सीरीज़ के दो कंपोनेंट हैं इलास्टिक पार्ट के, सीरीज़ और पैरल, वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, उनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से, इसीलिए उसके ब्याप पे उसको सीरीज़ और पैरल कहा गया है। ठीक है, अब आप देखें ये नॉर्मल मसल लेंथ है। ठीक है, जब हमने उसको एक्सटेंड किया तो ये एक न्यू लेंथ में चला गया, तो ये एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजिशन पर आ जाता है, तो ये रिकॉइलिंग एबिलिटी इलास्टिसिटी कहलाएगी। दो प्रॉपर्टीज़ होगी, और ये कॉन्ट्रैक्टेड ये टेंशन, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं चौथी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के बारे में बस इतना जो है वो इतना याद रखो कि इरिटेबिलिटी इज़ अ रिस्पॉन्स। जब भी कोई मसल स्टिमुलस, जब भी हम किसी मसल को स्टिमुलाई देंगे, चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है, जैसे अगर उसको स्टिमुलस मिली और उसने रिस्पॉन्ड किया तो वो रिएक्शन, जो रिएक्शन कहलाएगा, दैट रिएक्शन इज इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज सिंपली अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जब तक किसी मसल को स्टिमुलस नहीं जाएगा, डेफिनेटली वो एक मसल क्या होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या लेंथन होगा, यहाँ तो क्लियर है। तो जब भी उसके ऊपर स्टिमुलस आएगी और जब वो रेस्पॉन्ड करेगा तो वो इरिटेबिलिटी। सो इरिटेबिलिटी सिंपली अ रिएक्शन प्रॉपर्टी बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और जब भी वो रेस्पॉन्ड करेगा, कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, एक मसल या तो शॉर्टन हो सकता है या लेंथन हो सकता है, चाहे वो शॉर्टन हो चाहे वो लेंथन हो, टेंशन ज़रूर डेवलप होगी। एंड दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, द एबिलिटी टू डेवलप अ टेंशन इज सिंपली कॉल्ड द फोर्थ प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, इज़ टू डेवलप द टेंशन। और why a muscle needs to be developed a tension in order to respond to a stimulus, and that response to a stimulus is irritability. तो जब भी कोई मसल के ऊपर जो स्टिमुलस आती है तो वो चाहे वो स्टिमुलस शॉर्टेंड की हो चाहे वो लेंथेंड की हो, वो डेवलप करेगा टेंशन, टेंशन डेवलप करके बाद में रिस्पॉन्ड को देखेगा क्या है कि लेंथन का है या शॉर्टन का है। तो उसने डेवलप किया टेंशन, ये उसकी चौथी प्रॉपर्टी है, उसने रिस्पॉन्ड किया, ये उसकी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी इरिटेबिलिटी। तो देयर आर द फोर बिहेवियरल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मेरी अलग से जो वीडियो भी बनी हुई है। तो होपफुली ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर क्लियर। तो ये सीरीज इलास्टिक, और इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीरीज इलास्टिक टेंडन में होता है और पैरेलल इलास्टिक जो मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पे जो साइज की डेफिनेशन है ये बहुत ही, मतलब कह लें कि कंक्लूज और समराइज और प्रिसाइज वे में लिखी होती है, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द सीरीज, इज़ द पैसिव इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल दैट इज ड्राइव फ्रॉम द टेंडन टू रिस्टोर द एनर्जी। एंड व्हाट इज़ द पैरेलल, दिस इज आल्सो अ पैसिव इलास्टिक, वो ऊपर लिखी हुई है, पैसिव इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल दैट इज ड्राइव फ्रॉम द मस्कुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड फाइनली इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट, जो कि मसल प्रॉपर्टी एनेबल करता है टेंशन डेवलप बाय द स्टिमुलेटेड मसल। जब भी मसल फाइबर जो है स्टिमुलेट होंगे तो वो डेवलप टेंशन जो है वो डेवलप करेंगे, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि बोथ ACS, ACC सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, PEC पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट, दे हैव विस्कस प्रॉपर्टी दैट एनेबल द मसल टू स्ट्रेच एंड रिकॉल द टाइम डिपेंडेंट टेंशन। जब भी हम स्टैटिक स्ट्रेच ऑफ अ मसल ग्रुप सच एज हैमस्ट्रिंग इज मेंटेन ओवर टाइम, ये जो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, उनको इन शॉर्ट में समराइज करूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मसल्स विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी एनेबल करता है किसी भी मसल को टू प्रोग्रेसिवली लेंथन ओवर टाइम व्हेन स्ट्रेच। ये तो डेफिनेटली हम जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच देते हैं और वो स्ट्रेच जो है वो एक टाइम के लिए जब जाएगा तो वो मसल वो पोजीशन अडॉप्ट करेगा। मैंने बताया था कि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हमने किसी मसल को स्ट्रेच किया और छोड़ा, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सस्टेन करते हैं फॉर अ टाइम पीरियड, जब हम किसी टाइम पीरियड के लिए उसको सस्टेन करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेच्ड रह जाएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी उसको कौन देता है, ये कहलाती है मस्को इलास्टिक। दिस इज़ नॉट अ बिहेवियर प्रॉपर्टी, ये हर दोनों कंपोनेंट में, सीरीज और इलास्टिक कंपोनेंट में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वैसे विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी है, विस्कस मेनली कंसर्न विद द लिक्विड, ठीक है, जो रेजिस्टेंस बेसिकली देता है। तो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी वो होती है कि जब भी किसी मसल को ज़्यादा टाइम के लिए शॉर्टन या लेंथन किया जाए, वो उसी चीज़ को लेंथन पोजिशन को अडॉप्ट कर ले व्हेन स्ट्रेच। तो दिस इज द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इरिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू डेवलप टेंशन ऑलरेडी हमारे पास क्लियर है। इरिटेबिलिटी इज़ अ रिस्पॉन्स, एबिलिटी टू डेवलप, जब भी वो रिस्पॉन्स करेगा टेंशन डेवलप करेगा।
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स है, ये थोड़ी सी इसकी जो है वो एनाटमी, हमारे पास टाइम भी जो है कम है। 434 मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि 45% ऑफ द मोस्टली एडल्ट जो है बॉडी वेट ऑक्यूपाई करते हैं। मसल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पेयर्स फॉर्म है, 75 मसल्स पेयर हैं, इस तरह करके। ठीक है, सवाल है मसल फाइबर। मसल फाइबर जो है वो ये नेक्स्ट टॉपिक है। मसल फाइबर हमें पता है कि एक मसल जो हमें मैसिव मसल जितना भी दिखे वो बना हुआ मायोफिब्रिल्स का, मसल फाइबर से वो बना हुआ है। ठीक है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके आर्किटेक्चर में आप एनाटॉमी में जाओगे तो आपको एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट, सार्कोमेयर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारा एक्टिन मायोफिब, ये एनाटॉमी है बेसिक। यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली पॉइंट वो मोटर यूनिट है। हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मोटर यूनिट। बेसिकली मोटर यूनिट क्या होता है कि जब हमें पता है कि मैं उस डायग्राम को ही ढूंढ रहा हूँ कि एक मसल, ये डायग्राम, अब जैसे ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है ना, एवरी स्पाइनल नर्व हैज़ टू रूट्स, नर्व सेंसरी एंड द मोटर। मोटर यूनिट को याद रखने का से मुराद कि एक सिंगल न्यूरॉन और जितने भी मसल फाइबर्स को वो इनर्वेट करता है, कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड मोटर यूनिट। जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड में हमने जो है वो यूनिट पढ़ते हैं, उस तरह करके मोटर यूनिट क्या होता है कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जब वो जितने भी मसल फाइबर्स को सप्लाई करेगा, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड मोटर यूनिट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल रूट, सेंसरी एंड मोटर नर्व, मोटर नर्व से मोटर न्यूरॉन निकलेंगे, एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल। तो ये मसल्स के जितने भी फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है ना, तो कलेक्टिवली द ऑल द मसल फाइबर दैट आर स्टिमुलेटेड बाय द सिंगल मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन एंड टुगेदर द ऑल द मसल फाइबर स्टिमुलेटेड या इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन इज कलेक्टिवली कॉल्ड मोटर यूनिट। ठीक है, तो मोटर यूनिट क्लियर है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी यही है, मोटर यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इनर्वेटेड बाय दैट। ठीक है, तो मोटर यूनिट के बाद हम आगे है, तो मोटर यूनिट में ये तो न्यूरॉन की बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूरॉन के एक्सॉन, डेंड्रॉइड्स, ये तो हमें पता है, डेंड्रॉइड्स दे आर फॉर द रिसीविंग एन एक्सॉन फॉर दे कन्वे द मैसेज। ठीक है, और मोटर यूनिट इन मैमल दे आर कंपोज्ड ऑफ द ट्विच फाइबर्स। मतलब ट्विच फाइबर इस सेंस में कि समटाइम हमें पता है कि एक मोटर न्यूरॉन जो है वो 10 मसल फाइबर को, मिसाल के तौर पे 10 मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, तो अगर वो बैक टू बैक स्टिमुलस देगा, एक स्टिमुलस देगा, तो लाजमी नहीं है कि उस एक स्टिमुलस का जो है वो रिस्पॉन्ड आ जाए, लेकिन कलेक्टिवली एक नर्व की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम समेशन कहते हैं। तो कलेक्टिवली 10-15-20 स्टिमुलाई मिल के जब एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि 2 से 5 जो स्टिमुलस हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। जब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तब तक मोटर रिप्लाई नहीं आएगा, मसल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इन ऑर्डर फॉर अ गुड रेस्पॉन्स देयर नीड टू बी अ कलेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। उन कलेक्शन ऑफ स्टिमुलस को हम कहेंगे समेशन। ये आगे है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये नर्व की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कुछ मोटर्स जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते रहते हैं सिंगल स्टिमुलस को, कुछ जो है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इन द ह्यूमन बॉडी हाउ एवर द ह्यूमन जो मोटर यूनिट्स हैं दे आर जनरली एक्टिवेटेड बाय द वोली ऑफ द नर्व इम्पल्सिस। जैसे मैंने बताया कि वेन रैपिड सक्सेसिव इम्पल्सिस एक्टिव अ फाइबर, ये यहाँ पे एक मेंशन होगा वर्ड, ये समेशन लिखा हुआ है, द बिल्डिंग इन अ एडिशन फैशन। ठीक है सर, मोटर पॉइंट बता दो। मोटर पॉइंट वो होता है, मोटर पॉइंट क्वेश्चन एक अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक कह लेंगे, एक अलग चीज़ है। मोटर पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे, अच्छा हाँ, मोटर पॉइंट मैं इस डायग्राम में इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, मोटर यूनिट क्लियर है ना। मोटर पॉइंट वो होता है कि जब मोटर न्यूरॉन जो है किसी मसल में एंटर करता है, जब भी कोई मसल जो है किसी न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन है, जब मसल को पेनिट्रेट करके, जिस मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है, जैसे ही वहाँ पे पेनिट्रेट करेगा ना, तो वो एरिया कहलाता है मोटर पॉइंट। जिस तरह पियर्स पॉइंटिंग होती है, जिस तरह नर्व मसल में जब एंटर होती है तो एक पॉइंट कहलाती है, तो वो पॉइंट कहलाती है मोटर पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मोटर पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे मोटर जो फाइबर्स हैं वो पेनिट्रेट करते हैं किसको, मसल, जिस मसल फाइबर को वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन, होपफुली क्लियर है। और मोटर यूनिट तो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और ये अच्छा, मोटर पॉइंट की एप्लीकेशन ये है कि ये वो मोटर पॉइंट है जहाँ पे हमें टेंस जो है अप्लाई किया जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पे ज़्यादा जो है वो कह लें कि जहाँ पे अगर आप देते हैं, तो अगर कोई किसी का मसल वीक है और उसकी नर्व सप्लाई की वजह से जैसा स्ट्रोक में पैरालिसिस हो जाता है, तो इन मोटर पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है और वहाँ पे ही वो जो मॉडलिटीज़ हैं वो लगाई जाती हैं। ठीक है, तो बात हो रही थी समेशन की। समेशन क्या होती है कि जब हम छोटे मोटे स्टिमुलस जाते रहते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते, तो क्या होता है कि नर्व के कुछ इम्पल्सिस आपस में मिल के, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टिमुलेट
ना मोटर पॉइंट कैन बी यू, यस ये डॉक्टर निंदा ठीक जा रही है, तो मैं भी यही पॉइंट इनको बता रहा था, ये उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। तो समीशन क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ बेसिकली नर्व इम्पल्सेस, जब नर्व स्टिमुलस आपस में मिल के, मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना एक चीज़ खरीद नहीं कर सकता, तो वो 10-12 बंदे मिल के अगर उसको खरीद करते तो वो जो परचेस है वो कहलाएगी समीशन। तो 10-15 स्टिमुलस या 20 स्टिमुलस मिल के आपस में, मैं एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता रहा, एक जो है वो प्रिजम्पशन बता रहा हूँ, तो 10-15 मिल के उस रेस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है समेशन। तो व्हाट इज़ द समेशन, इज़ बेसिकली अ बिल्डिंग इन एडिफेशन जिसमें 10-12 स्टिमुलस मिलके एक चीज़ को करते हैं, और वो क्या होगी, वो टेंशन डेवलप होगी, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिवली। अब अगर यही टेंशन डेवलपमेंट जो है, अगर ये जो टेंशन डेवलप हुई है ये अगर आप सस्टेंड करोगे, मिसाल के तौर पर जब किसी मसल फाइबर को आप स्टिमुलस करते हो ना, मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हो, तो जब उसको स्टिमुलस बार बार करोगे तो उसमें टेंशन डेवलप होती जाएगी मसल फाइबर में, एक लिमिट आएगी कि उसके बाद वो मज़ीद टेंशन डेवलप नहीं कर पाएगा, एंड दैट लिमिट इज़ कॉल्ड टेटनस। तो जो टेटनस कंडीशन है, टेटनस कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेच ऑफ मसल प्रोड्यूसिंग द सस्टेंड मैक्सिमम टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेटिव स्टिमुलस। जब किसी मसल फाइबर जब एक पीक लेवल पहुँचेगा कि आप जो है वो टेंशन डेवलप वो मसल मजीद नहीं कर पाएगा, एंड दैट लेवल इज कॉल्ड द टेटनस। तो टेटनस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन भी साथ साथ लिखी हुई, द टेंशन प्रेजेंट ड्यूरिंग द टेटनस मे बी एज मच एज 4 times पीक टेंशन ड्यूरिंग द सिंगल ट्विच। जब हम किसी को सिंगल ट्विच करते हैं उस दौरान जो मसल फाइबर में टेंशन डेवलप होती है, और ड्यूरिंग टेटनस जो डेवलप होती है उससे 4 गुना जो है वो ज़्यादा होती है। और आगे भी लिखा हुआ है, नॉट ऑल द स्केलेटल मोटर यूनिट दे आर द ट्विच, दे सम आर द यूज ऑफ यूनिट ऑफ द टोनिक टाइप आल्सो, जो कि ओकुलोमोटर अपर्चेस मतलब आए ओकुलोमोटर जो अपर्चेस है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फाइनली आगे की तरफ हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइबर टाइप्स, जिसमें हमारे पास स्लो एंड फास्ट है। मैं इधर थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि ये टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो जो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच का अगर हम वर्ड को आप ब्रेक करो तो फास्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो फास्ट स्टिमुलस देते हैं। अगर कोई चीज़ जल्दी फास्ट स्टिमुलस करेगी तो डेफिनेटली वो थके भी जल्दी, तो दे फटीक क्विकली आल्सो। और जो स्लो होते हैं वो इंड्योरेंस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो फास्ट क्या होते हैं कि वो जाते ही स्पीड के साथ है, कॉन्ट्रैक्ट से जितनी भी फास्टर मूवमेंट्स होती हैं, और स्लो जो हैं वो डेफिनेटली वो कम थकते हैं लेकिन चलते जो है इंड्योरेंस उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो होपफुली माई वॉइस मेक श्योर। तो फाइबर टाइप्स को हम पढ़ते हैं कि फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच के फर्दर। फास्ट ट्विच जो है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिवाइडेड है। टाइप 1 अगेन उसकी क्वालिटी कुछ स्लो से मिलती है इसीलिए वो स्लो में कैटेगराइज किया जाता है, और टाइप बी जो है वो फास्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो फास्ट फास्ट हम चलते हैं, तो एक जो है वो स्ट्रेंथ के लिए और एक जो है वो एंड्योरेंस के लिए। अब जैसे यहाँ पे टेंशन, आप ट्विच टेंशन की बात करो तो ये फास्ट ट्विच की फाइबर्स है, इनकी जो डायमीटर्स हैं वो भी लेंथी हैं, और उनकी जो रेस्पॉन्ड है वो टू मच क्विकली है, टेंशन डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है, ठीक है। और जो स्लो है उनकी बिल्कुल स्लोली टेंशन डेवलप हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आप चेक करें तो ये लेंथी है वो शॉर्ट है, ठीक है। और आगे फास्ट ट्विच, अब यहाँ पे आप चेक करें कि फास्ट ट्विच ए जो है उनकी क्वालिफिकेशन, जो उनकी जो कह लें कि क्राइटेरिया है या उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो उनकी कॉन्ट्रेक्शन स्पीड फास्ट है, ठीक है, और फटीग रेट इंटरमीडिएट है, इस तरह करके उनका सारा। और टाइप बी जो है वो बिल्कुल फास्ट फास्ट है, तो टाइप बी जो वो फास्ट ट्विच फाइबर से मिलते हैं, और टाइप 2A जो है वो स्लो से मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी फास्ट ट्विच की ये है कि दे जनरेट अप्रोक्सीमेटली, एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन है वो ये मैं करता चलूँ कि जब भी कोई आप किसी चीज़ को स्टिमुलस करते हो ना, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच का बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम अमूमन जो है वो सुनते आ रहे हैं, जो रैबिट और टर्टल वाली जो कहानी हम सुनते आ रहे थे, खरगोश और अपना कछुए की, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है। तो जो रैबिट है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, और वो टर्टल है वो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं। तो दे आर फॉर द इंड्योरेंस, वो कम थकते हैं लेकिन चलते ज़्यादा देर हैं, और वो जल्दी थक जाते हैं लेकिन काम जो है वो जल्दी होता है उनका, फास्ट ट्विच की अगर बात करो। लेकिन दोनों में से आप जिसको भी स्टिमुलस दो, जब भी कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो फास्ट ट्विच फाइबर्स की हो या स्लो ट्विच फाइबर्स की, एक्टिव जो होंगे वो पहले स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे। ये चीज़ ये बहुत ही अच्छी पॉइंट मैं बताता चलूँ, ये बुकिश लैंग्वेज ही है। मतलब इसका मैं एग्जांपल दूँ तो इस तरह करके, उसका रीज़न है वह यहाँ पर लिखा हुआ, उसका रीज़न ये है कि दे आर इजी टू एक्टिवेट। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा मिसाल दूँ कि जिस तरह क्लास में सीआर होता है, तो जब क्लास का सीआर होता है तो कोई भी जो एक पुराना टीचर है जो कि एक बैच को काफ़ी सेमेस्टर जो पढ़ाता जा रहा है, तो जब भी वो कोई अनाउंसमेंट करेगा तो वो बाई नेम सीआर को बुला लेता है, ठीक है। तो उसको पता है कि हु इज़ द सीआर इस तरह करके। लेकिन अगर नया कोई टीचर आता है और वो अगर कोई अनाउंसमेंट करता है, उसे नहीं पता हु इज़ द सीआर इन क्लास, तो वो क्या करता है कि अगर उसने रेंडमली कोई अनाउंसमेंट
करता है ना कि भाई ये बात आप लोगों ने ये असाइनमेंट देनी है या असाइनमेंट ये चीज़ बतानी है, फौरी तौर पे सीआर जो है एक्टिवेट हो जाता है बगैर। तो ये क्या होता है कि आप चाहे मतलब कहने से मुराद कि मूवमेंट कोई भी परफॉर्म करो, टीचर कोई भी अनाउंसमेंट करे, सीआर एक्ट, तो आप समझे कि सीआर जो है वो स्लो ट्विच फाइबर्स है, ठीक है। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं मतलब एक्शन कोई भी हो, मसल के ऊपर रिस्पॉन्ड कोई भी हो, एक्टिवेट सबसे पहले जो स्लो ट्विच होते, फिर उसके बाद एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, चाहे वो फास्ट मूवमेंट क्यों ना हो लेकिन पहले एक्टिविटी है क्योंकि बिकॉज दे आर ईजी टू एक्टिवेट, ठीक है। सर इज फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच बोथ प्रेजेंट इन अ सिंगल मसल? जो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच है वो एक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्शन के ऊपर। जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्लासिफिकेशन है फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच की, ये उनकी अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन है, ये उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सप्रेस और डिप्रेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट डिपेंड करता है। मैंने ये अभी भी ये मैं बताने वाला था कि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, जो भी उनकी मूवमेंट हो, फास्टर मूवमेंट्स हैं, जो भी जितनी भी फास्टर मूवमेंट्स हैं, अगर वो परफॉर्म हो मसल्स के ऊपर, एक्टिवेट जो है वो स्लो ट्विच भी होते हैं शायद, ठीक है। तो सबसे पहले स्लो ट्विच, ये यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, मैं इसको आप लोगों को डिफाइन करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन है कि फास्ट ट्विच फाइबर्स कहाँ पे होते हैं। अ हाई परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर जो है एडवांटेजेस फॉर जनरेटिंग द फास्टर मूवमेंट एंड हायर परसेंटेज फॉर द स्लो ट्विच इज टू जनरेट द एंड्योरेंस, ठीक है। और ये पॉइंट जो मैं आपको अभी डिफाइन करने वाला था, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था कि स्लो ट्विच फाइबर्स जो है वो यहाँ पे कहीं पर मेंशन था। चलें जी, फाइबर आर्किटेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट इसी बुक इसी में है, ये मैं आपको कहीं ना कहीं आपको जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलें जी, मैं इसका रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन ये इसी बुक की है कि आप कोई भी एक्टिविटी, भले ही फास्टर मूवमेंट की एक्टिविटी क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट से पहले जो एक्टिवेट होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर ईजी टू एक्टिवेट। उसके बाद फाइबर आर्किटेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। फाइबर आर्किटेक्चर जो वो पैरेलल, फाइबर आर्किटेक्चर मतलब जो फाइबर्स की अरेंजमेंट है मसल्स के ऊपर, अगर वो पैरेलल है, मसल फाइबर्स के पैरेलल जा रहे हैं, तो वो मसल पैरेलल फाइबर्स अरेंजमेंट कहलाएगी, जिस तरह सार्टोरियस है या जितने भी जो बड़े मसल्स हैं, और जो पीनेट मसल्स की अरेंजमेंट होती है वो मतलब फुली तौर पे नहीं जाते, वो जहाँ पे भी जगह मिलती है वहाँ पे इंसर्ट होते जाते, वो एक एंगल के लिए, और इनका फ़ायदा भी, अगर वो एंगल पे हैं तो डेफिनेटली दे प्रोड्यूस द टार्क, तो टारगेट टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें एंगल चाहिए होती है ना। तो पैरेलल की जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल उनके साथ पैरेलल होती है, लेकिन जो पीनेट मसल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एक एंगल पे होती है। अब ये यहाँ पे आप चेक करें तो ये पैरेलल फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है, दे आर पैरेलल विथ रेस्पेक्ट टू द मसल, ठीक है, और पीनेट की अगर हम चेक करें तो ये एंगल पे हैं। तो जब इनके ऊपर टेंशन डेवलप होगी तो थारोली एक किस्म की मतलब इनका फ़ायदा ये है पैरेलल का कि इनके सिंगल मसल में जितनी जब टेंशन डेवलप होगी, जब भी इसके ऊपर कोई स्टिमुलस आती है, तो थारोली मसल में जो है वो वही टेंशन आएगी। उसका रीज़न ये है कि सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो सारे एक ही चीज़ को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पीनेट में क्या होगा, अगर किसी मसल फाइबर में जो वो स्टिमुलस जाती है तो वो यहाँ पे टार्क जनरेट होगा। आगे मैं एरो का शो करता हूँ, क्योंकि वो दोनों अलग एंगल पे हैं, इनके कुछ फाइबर्स अलग एंगल पे हैं, कुछ फाइबर्स जो है वो अलग एंगल पे, ये उसका क्लिनिकली कह लें कि एप्लीकेशन है या उनकी रिप्रेजेंटेशन। अब आप चेक करें कि ये जो पीनेट मसल है, जब ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, जब इनके ऊपर टेंशन आएगी तो एक एंगल जनरेट हो रही है, तो इन मसल्स की अलग एंगल होगी, इन मसल्स की जो है वो अलग टेंशन डेवलप होगी, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। पीनेट मसल हैविंग क्रिस क्रॉस फाइबर्स, बिल्कुल सीवियर लाइक द यूनिपेनेट बाईपेनेट मल्टीपेनेट, जी बिल्कुल, पीनेट मसल्स की क्रिस क्रॉस फाइबर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो यूनिपेनेट तो सिंगल, और बाईपेनेट डबल और मल्टीपेनेट वगैरह। स्केलेटल मसल फंक्शन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। जो स्केलेटल मसल्स के फंक्शन की अगर हम बात करें, स्केलेटल मसल फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो
जब भी किसी मसल जो है, जो मसल एक्टिवेट होता है, तो डेफिनेटली मैंने बताया कि उसकी जो एक वन ऑफ द फोर्थ प्रॉपर्टीज़ टू डेवलप द टेंशन, ठीक है। तो उनमें टेंशन डेवलप होती है, तो अमाउंट ऑफ टेंशन जितनी भी डेवलप होगी वो कॉन्स्टेंट होगी थ्रू आउट द लेंथ एज वेल एज इन द टेंडन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो टार्क जनरेट हो रहा है ये उनकी समेशन के ऊपर है बेसिकली, उनकी जो फार्मूला है जिसमें हम टार्क जो है वो वहाँ से कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ द मोटर यूनिट्स है, ये भी एक फिजिक्स का ही बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम उसमें कैसे जो है वो स्लो ट्विच को जब हम निकालते हैं तो टार्क के वेक्टर्स क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है, उनके जो उनको मज़ीद डिवाइड किया गया है, ठीक है। एफ़ इंडिकेट करता है कि फलक्रम को, ये बेसिकली टार्क मेयर करने के लिए जो फार्मूला है, वेट है, पहला वेट जो है वन बोन का है, और वेट जो है वो एक्सटर्नल वेट जो वेट टू से डिनोट किया गया है। बहरहाल चेंज इन मसल लेंथ विद द टेंशन डेवलपमेंट, अब यहाँ पे एक चेंज इन मसल, जब भी मैंने मसल बताया मसल में टेंशन डेवलप होगी तो वो कंट्रैक्शन होगा या तो लेंथन होगा, जब भी मसल में टेंशन डेवलप होगी तो यहाँ पे कुछ कंसिक्यूटिव यहाँ पे टाइप्स ऑफ कह लें कि मसल चेंज इन लेंथ जो होती है उनमें कुछ टाइप्स हैं। अब ये साथ साथ तो मसल लेंथ में जो टेंशन डेवलपमेंट के साथ चेंजेस आ रही है, तो यहाँ पे आप मसल के जो फाइबर्स हैं जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो कंसेंट्रिक, मैं इनको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट कहता हूँ, हमारे पास टाइम की जो है वो कमी है, कंसेंट्रिक जो है जब भी जो मसल्स के फाइबर्स हैं वो शॉर्टन होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको दूसरी लैंग्वेज में शॉर्टनिंग कहा जाता है, जो मसल्स के फाइबर है जो उसके दो ओरिजिन है जब एक दूसरे के करीब आएंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आएंगे तो वो कंसेंट्रिक कहलाएंगे, जब एक दूसरे से अवे जाएंगे दूर जाएंगे एक दूसरे से तो वो इसेंट्रिक या लेंथनिंग कहलाएगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम वेन मसल टेंशन प्रोड्यूस अ टार्क, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के थ्रू आप तीनों जो उनकी क्लासिफिकेशन है उसको, अब मिसाल के तौर पे जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का आगे कॉन्सेप्ट आएगा, जब एगोनिस्ट में टार्क जब जनरेट होगा और वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द टार्क इन एंटागोनिस्टिक, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी, कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी, एंगल डिक्रीज होगी जॉइंट पे, मिसाल के तौर पे एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, जब एल्बो के फ्लेक्सर्स में इतना टार्क जनरेट होगा जितना टार्क उसका जो एक्सटेंसर है एंटागोनिस्टिक है उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एल्बो की फ्लेक्शन होगी ना, तो ये मूवमेंट कहलाएगी कंसेंट्रिक। अब जब टार्क इतना जनरेट होगा उतना ही एंटागोनिस्टिक में होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी आइसोमेट्रिक, क्योंकि दोनों की तब्दीली नहीं हो रही, कोई चेंज इन लेंथ नहीं हो रहा लेकिन मसल में टेंशन डेवलप हो रहा, तो आइसोमेट्रिक है, लेकिन इतना टार्क जनरेट हो कि एंटागोनिस्टिक का टार्क ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट तो वो कहलाएगा इसेंट्रिक, ठीक है। मैं इन तीनों को क्लियर करता हूँ, तो कंसेंट्रिक क्या है, कंसेंट्रिक क्या होगा, जब मसल्स के जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो जॉइंट की एंगल डिक्रीज होगी और एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म होगी, मिसाल के तौर पे जब जो एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं बाइसेप बाइसेप ब्रैकिया ब्रैकियोरिडलिस जो भी, जब उनके पॉइंट्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के करीब आएंगे टूवर्ड सेंटर आएंगे तो वो एल्बो की फ्लेक्शन होगी तो जॉइंट एंगल जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ जब एंटागोनिस्टिक जो एक्सटेंसर्स हैं वो उसी के साथ साथ इसेंट्रिक में जा रहा है, अब जब एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसेंट्रिक की डेफिनेशन क्या होगी, जब दोनों के जो मसल्स के एंड्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो इसेंट्रिक करेंगे, इसीलिए उसको लेंथनिंग कहा जाता है। लेकिन जब दोनों का टार्क बराबर होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक का और कोई मसल के लेंथ में जो वो चेंज नहीं आ रही लेकिन टेंशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि टेंशन तो डेवलप हो रहा है ना, तो वो कंडीशन कहलाएगी आइसोमेट्रिक, ठीक है। इस तरह तो आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक भी है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक इमेजिनरी या कह लें कि एज्यूम्ड कंडीशन कहलाती है, ठीक है। मेन तीन है, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक एंड इसेंट्रिक, ठीक है। ये आप बुक से भी साथ साथ, मैंने इसको डिफाइन किया बुक से भी साथ साथ देखते चले। नाउ कमिंग टू द रोल एज्यूम्ड बाय द मसल्स, मसल्स कितने कितने रोल्स, ये तो उनके इंटरनल प्रॉपर्टी होगी कि वो डेवलप टेंशन करता है, आइसोमेट्रिक इसेंट्रिक कंसेंट्रिक वगैरह, रोल जो एज्यूम्ड बाय द मसल्स वो कितने हैं, तो वो एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्टिक हैं, स्टेबलाइजर हैं और न्यूट्रलाइजर हैं। एगोनिस्ट को इन शॉर्ट आप याद रखो तो प्राइम मूवर्स, जितने भी एगोनिस्ट हैं वो प्राइम मूवर्स, जितने भी प्राइम मूवर्स हैं ना जो प्राइमरीली किसी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, दे आर द प्राइम मूवर, दे आर कॉल्ड एगोनिस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे तो एल्बो के फ्लेक्सर्स दे आर द एगोनिस्ट, एल्बो की एक्सटेंशन करो तो ट्राइसेप इज द एगोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्टिक क्या होते हैं कि जो एंटागोनिस्टिक वो मसल जो हर एगोनिस्ट के अपोजिट मूवमेंट परफॉर्म करे, एल्बो की फ्लेक्शन करो तो एंटागोनिस्टिक ट्राइसेप, ट्राइसेप एल्बो की एक्सटेंशन करो तो जो बाइसेप हैं एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं दे आर द एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो एक दूसरे के रिवर्स हैं।
उसके बाद स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मसल्स कौन से होते हैं कि वो मसल को स्टेबलाइज करते हैं। ये एक स्केपुलर मसल्स का मैं यहाँ पे अगेन एग्जांपल दूंगा। मैं स्केपुलर ह्यूमरल रिदम में भी इसको बता चुका हूँ। जितने भी हमारे मसल्स हैं ना, लेट्स सपोज जितने भी हैं, रोटेटर कफ हैं, स्केपुलर मसल्स हैं, जब भी इसके ऊपर स्टिमुलस आएगी ना, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपने बोन जिसके ऊपर ये अटैच हैं उसको फिक्स कर देते हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं ना, तो हमारे शोल्डर के साथ साथ स्केपुलर मसल्स भी काम करते हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर स्टिमुलस आई, सबसे पहले स्केपुलर मसल्स क्या करेंगे, स्केपुला को पकड़ के ग्रिप कर लेंगे, ताकि ये जो है वो कहीं कह लें कि कोई डैमेज वगैरह ना हो। तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेबलाइज कर रहे हैं। उसी तरह रोटेटर पे जब आप शोल्डर पे कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करो, सबसे पहले रोटेटर का मसल ह्यूमरल हेड को पकड़ के ग्लेनोइड कैविटी में जो फिक्स कर देते, ताकि कोई इंजरी या कोई डिसलोकेशन सबलक्जेशन ना हो। तो ये क्या है, स्टेबलाइजेशन है। जिस तरह सेरेटर एंटीरियर हैं या जितने भी मसल्स हैं जिनके अपने अपने काम। उसके बाद है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर हमें भी पता है कि किसी जितने भी अब देखें ना, एक मूवमेंट प्राइमरली हो रही है, उसके साथ बहुत सारी मूवमेंट अनवांटेड मूवमेंट होती रहती है। मिसाल के तौर पे एसेसरी मूवमेंट है, जितने भी मसल्स हैं, तो ये जो अनवांटेड मूवमेंट है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाल के तौर पे जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, ठीक है, एल्बो, उसके साथ साथ आपके ट्राइसेप मसल को भी इनहिबिशन का मैसेज आ रहा होता है ना, तो समटाइम क्या होता है कि ये तो चलो एक प्योरली यूनी एक्सल जॉइंट की मूवमेंट होगी, लेकिन अगर आप कोई मल्टी ऐसी मूवमेंट, मिसाल के तौर पे सर्कमडक्शन है, मिसाल के तौर पे फोरआर्म सुपिनेशन है या फोरआर्म प्रोनेशन है, तो जो अनवांटेड मूवमेंट होगी ना, मिसाल के तौर पे आप एल्बो की फ्लेक्शन कर रहे हो, मिसाल उसके साथ साथ एल्बो की रोटेशन हो रही है, मिसाल के तौर पे जब आप प्रोनेटेड एल्बो के साथ एल्बो की फ्लाई, लेकिन आपको चाहिए एक मूवमेंट, आपको एल्बो की फ्लेक्शन चाहिए, आपको प्रोनेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि सुपिनेटर मसल्स एक्टिव हो जाएंगे और वो प्रोनेशन को कैंसिल कर देंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने दिया आइसोमेट्रिक में। क्या होता है कि दोनों मसल जब एक साथ अपोजिट एंड एगोनिस्ट एंडोगन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नेट टॉर्क जीरो होगा, तो कोई चेंज इन लेंथ नहीं होगी, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन टेंशन डेवलप होगी। तो उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, हमें जो प्राइमरी मूवमेंट नीडेड होगी वो मिलेगी। तो सेकेंडरी मूवमेंट जो अनवांटेड थी, उसके अपोजिट ने, उसके एंटागोनिस्टिक ने एक्टिवेट करके क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो न्यूट्रलाइजर्स क्या होंगे, द रोल प्लेड बाय अ मसल एक्टिंग टू इल्यूमिनेट एन अनवांटेड मूवमेंट दैट इज प्रोड्यूस बाय द एगोनिस्ट। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजर भी क्लियर है, स्टेबलाइजर भी क्लियर है। अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक की मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूँ, जितने भी मसल्स ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो जब शो करते हैं अपनी बॉडी को, तो वो आइसोमेट्रिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी उसकी वजह क्या है, जब वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, दोनों मसल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। जब दोनों मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मसल्स नंबर ऑफ मसल फाइबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, और अमूमन वो मसल की रेंज के ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, वो मिड रेंज में ये चीज़ परफॉर्म कर देंगे। आप चेक करेंगे, ये एल्बो की फ्लेक्शन मिड रेंज है। ठीक है, ये आउटर रेंज होती है, बहरहाल मिड रेंज वो अलग से एक अलग टॉपिक होगा, मसल की रेंज होती है आउटर, इनर एंड मिड रेंज। तो ये आइसोमेट्रिकली उसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। अभी आप चेक करें, कोई फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद भी जो बाइसेप है वो क्लियरली दिख रहा है, तो दिस इज़ द आइसोमेट्रिक मूवमेंट। ठीक है, जो एंटागोनिस्टिक होता है उसने उसको रिजिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों मसल्स ने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को दूसरे की जो मूवमेंट्स है उसको कैंसिल कर दिया। और अगेन सर, इस पिक में जस्ट बाइसेप की आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक भी है और मसल, डॉक्टर इंदिरा का सवाल है, तो ये आइसोमेट्रिक मूवमेंट है, प्लस में ये मसल की मिड रेंज भी है। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रलाइजर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें न्यूट्रलाइजर का कॉन्सेप्ट इस तरह क्या रहा है कि आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक में जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो दोनों में इक्वल हो, तभी ही आपकी जो मूवमेंट है वो जीरो होगी, फिजिकल मूवमेंट, लेकिन इंटरनली मसल स्किन में टेंशन डेवलप हो रही है। तो सवाल ये है कि ये बाइसेप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये जो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये टेंशन डेवलपमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, तो आप देखें ये दूसरे हाथ से जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दूसरा हाथ इसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये इतनी रेजिस्टेंस है जितनी उसके एगोनिस्ट जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक का एक और एग्जांपल है। अब इसमें इसने, अब आप चेक करें, इसमें इसने दूसरा हाथ नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉडी बिल्डर द कॉमनली डेवलप द आइसोमेट्रिक टेंशन इन दियर मसल टू डिस्प्ले द मसल साइज एंड डेफिनेशन। क्लियर है, अब यहाँ पे चेक करें, इसमें इसने हाथ नहीं रखा हुआ दूसरा, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सटर्नल वेट कैरी किया हुआ। तो जब ये एक्सटर्नल वेट कैरी करेगा, तो जो इसके एल्बो के एक्सटेंसर्स या जो एल्बो के जो फ्लेक्सर्स, यहाँ पे एल्बो के फ्लेक्सर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो उतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितना इसका वेट है। ठीक है, तभी कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही, एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक, नो चेंज इन लेंथ बट द
टेंशन इज डेवलप्ड इन द मसल तभी ये बाइसेप जो है वो कह लें कि फूला हुआ है। तो मसल्स में टेंशन मैक्सिमम डेवलप हो रही है, कितनी टेंशन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी जितनी इसकी है। तो यहाँ से हम एक्सटर्नल वेट का जितना भी वेट होगा ना, दैट वेट वही उतना न्यूटन फोर्स में कन्वर्ट करके दैट फोर्स इज जनरेटेड बाय द बाइसेप ब्रैकियोरेटरल्स या ब्रैकियोलम जितने भी एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट कोई नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो नेट टॉर्स जनरेटेड बाय द एल्बो फ्लेक्सर्स इज इक्वल टू द वेट बाय दिस एक्सटर्नल वेट बाय दिस द डम्बेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक्स है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द एल्बो फ्लेक्शन द फेस ऑफ द फोरआर्म कर्ल द ब्रैकियल्स एंड द बाइसेप ब्रैकिया दे एक्ट एज अ प्राइमरी एगोनिस्ट बिकॉज द एल्बो फ्लेक्शन विद द ब्रैकियोरेडियल्स फ्लेक्सर कार्पा रेडियल एंड प्रोनेटेड टीज दे सर्व एज द असिस्टिंग एगोनिस्ट। ठीक है, टू जॉइंट एंड मल्टी जॉइंट मसल, एक नाम ही बताता है कि टू जॉइंट मल्टी जॉइंट तो होता ही नहीं, टू जॉइंट ही मसल्स होते हैं कि जब मसल एक जॉइंट से ज़्यादा मसल जॉइंट को जो एक मसल जो एक जॉइंट से ज़्यादा किसी को क्रॉस करेगा तो वो टू जॉइंट होता है। ठीक है, अब मिसाल दूंगा मैं, मिसाल के तौर पे जो बाइसेप है वो शोल्डर जॉइंट से निकलता है और वो एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके जहाँ पे बाइसेपल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी जिसको कहा जाता है, रेडियस पे जाके जो है वो बाइसेपल ट्यूबरोसिटी पे जाके लगता है। तो ये दो मसल, या जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स आप चेक करो, क्वाड्स हिप मसल से निकलते हैं नी को क्रॉस करके, इसीलिए तो टू जॉइंट मसल है, तो इसके फंक्शन भी जो है वो दो से ज़ाहिद होंगे। मिसाल के तौर पर आप हैम की बात करो, हैमस्ट्रिंग हिप से निकलते हैं नी पे जाके लगते हैं तो वो हिप पे एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, नी पे फ्लेक्शन। ठीक है, क्वाड्स की बात करो तो वो क्वाड्स हिप पे फ्लेक्शन करते हैं और नी पे एक्सटेंशन, दे बोथ आर रिवर्स ईच अदर। तो ये टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशेंसी के ऊपर मैं एक अलग से जो वो वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं अगेन इस पर बताते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं एक्टिव पैसिव इनसफिशेंसी को डिफाइन करूँ तो एक्टिव इनसफिशेंसी वो होती है कि जो टू जॉइंट मसल है जब एक जॉइंट को क्रॉस करके दूसरे जॉइंट पे कह लें कि इनएबिलिटी टू डेवलप टेंशन एट द सेकेंडरी जॉइंट। ठीक है, कि वो मजीद टेंशन डेवलप नहीं कर सकता, एक जॉइंट पे जितना देना था उसने दे दिया, सेकेंडरी पे वो मजीद डेवलप नहीं कर सकता, दिस इज एक्टिव इनसफिशेंसी। पैसिव में क्या होता है कि सेम लेकिन इन केस ऑफ लेंथ, कि एक जॉइंट जो एक मसल है जो दो जॉइंट को क्रॉस कर रहा, तो जो पहले जॉइंट पे जब वो लेंथन इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मैक्सिमम इसेंट्रिकली लेंथन हो जाएगा, जब दूसरे जॉइंट की बारी आएगी तो वो मैक्सिमम फोर्स नहीं जनरेट कर सकता और आपको एक किस्म की मसल फटीगनेस फील होगी। तो इनएबिलिटी टू लेंथन एट द सेकेंडरी जॉइंट अप टू अ लिमिट इज पैसिव इनसफिशेंसी, इनएबिलिटी टू शॉर्टन एट द सेकेंडरी जॉइंट अप टू अ लिमिट इज एक्टिव इनसफिशेंसी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूंगा इन पिक्चर के ऊपर, अब डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, अब आप पिक्चर में चेक करें कि जब आप फिंगर्स को एक्सटेंड करके फ्लेक्स ना करें, अभी ये एक्टिव इनसफिशेंसी की बात हो रही है ना, तो आप फिंगर्स को जब खोल के एक्सटेंडेड पोजिशन में रिस्ट की फ्लेक्शन करो तो रिस्ट फ्लेक्शन इज मोर। क्लियर है, क्योंकि फिंगर्स के जो फ्लेक्सर्स हैं हमें भी पता है वो रिस्ट से नहीं निकलते, वो फोरआर्म के फ्लेक्सर्स हैं। ठीक है, और सॉरी फोरआर्म से निकलते हैं, तो वो रिस्ट को भी क्रॉस कर रहे हैं और फिंगर जॉइंट्स को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो जब प्राइमरी जॉइंट जो रिस्ट का था, जब वहाँ पे हमने उनकी रिस्ट की फ्लेक्शन ले ली तो वो फिंगर्स पे अगर आप उसे फोर्स लोगे तो उतना फोर्स नहीं देंगे जितना उन्होंने रिस्ट पे दिया, तो ये इनएबिलिटी है। उसी के साथ साथ आप पहले रिस्ट को फ्लेक्स करो, ठीक है, फिंगर्स को फ्लेक्स करके जब आप रिस्ट को फ्लेक्स करोगे तो आप फुल रेंज अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने फिंगर्स पे जब फ्लेक्शन ले ली तो यहाँ पे जो फिंगर्स की जो फ्लेक्शन फिंगर्स पे जो आपने टेंशन डेवलप कराई वो प्राइमरी था उसके लिए, जब सेकेंडरी आपने रिस्ट पे उसके लिए उससे काम लिया तो वो कह रहे आई कॉन्ट जनरेट द मैक्सिमम फ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द एक्टिव इनसफिशेंसी। पैसिव में क्या होता है, अब यहाँ पे आप रिवर्स कर लो इसका, पैसिव में क्या होगा कि यहाँ पे रिस्ट की एक्सटेंशन फिंगर की फ्लेक्शन है और यहाँ पे फिंगर्स की जो एक्सटेंशन हो रही है ना, तो जब हम इसका मैं हैमस्ट्रिंग के ऊपर भी जो है डेमोन्स्ट्रेट पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करूँगा, लेकिन अभी जो है वो इस वक्त जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब हैमस्ट्रिंग पे मैं थोड़ा सा अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट दूँ तो हैमस्ट्रिंग क्या करता है, हैमस्ट्रिंग हिप का एक्सटेंसर है और नी का फ्लेक्सर है। क्लियर है, अब आप क्या करो कि प्रोन पोजिशन में लेटा के पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लेटाओ और हिप की एक्सटेंशन परफॉर्म करो विथ नी एक्सटेंडेड। कीप इन माइंड जब नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा तो हिप जो हैमस्ट्रिंग का प्राइमरी फंक्शन होगा वो किस पे होगा, हिप की एक्सटेंशन पे होगा, क्योंकि आपने नी को एक्सटेंड कर लिया, नाउ ही इज वो स्ट्रेच पोजीशन में, क्योंकि वो नी का फ्लेक्सर है, आपने नी को एक्सटेंड कर दिया तो उसको स्ट्रेच कर दिया आपने, तो हिप की एक्सटेंशन जितनी भी हो, अब आप क्या करो नी को फ्लेक्स करो, जब आप नी फ्लेक्शन के हिप की एक्सटेंशन करोगे तो वो ज़्यादा होगी,
क्योंकि आपने एक तरफ से उसका काम ले लिया, क्लियर जा रहा है। मैं इसको प्रैक्टिकली जो वो डेमोन्स्ट्रेट करूँगा अगर मुझे जो वो मौका मिला। तो पैसिव इनसफिशेंसी क्या होती है कि जब आप किसी मसल को लेंथन करते हो, जब मसल को इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जो प्राइमरी पहला जॉइंट होगा किसी मसल का, वहाँ पर वो मैक्सिममली इसेंट्रिकली लेंथन हो जाएगा। सेकेंडरी वो नहीं जा सकता, सेकेंडरी वो कभी नहीं, मतलब वो इतना नहीं हो सकता जितना। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा इसका, मिसाल के तौर पे अगर आप कह लें कि जब हम किसी पॉइंट को क्रॉस करते हैं, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट को जब हम क्रॉस करते हैं, वहाँ पे जितना हमने डिलीवर करना है, जितना हमने सेशन देना है, वो हमने दे दिया, हमने उसको, जब हम दूसरा सेशन लेंगे बैक टू बैक, तो हम डेफिनेटली हम टायर्ड होंगे, थके हुए होंगे, तो हम इतना क्लियर नहीं कर सकते। तो जो दूसरी जगह पे हम फुल एफिशिएंसी अपनी नहीं दे सकते, तो दिस इज़ द एक्टिव इनसफिशिएंसी। और पैसिव में क्या होता है कि लेंथेंड हो जाता है, कि जहाँ पे उसने मैक्सिमली लेंथेंड होना था वो हो गया, जब सेकेंडरी जॉइंट पे लेंथेंड की बात करो तो वो मजीद लेंथेंड नहीं हो सकता, क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन भी हम साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वेन द फिंगर फ्लेक्सर्स दे आर मैक्सिमली स्ट्रेच, जब फिंगर फ्लेक्सर को आप मैक्सिमली स्ट्रेच करोगे विद द बोथ रिस्ट एंड फिंगर फुल एक्सटेंशन होंगी, रेंज ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड, क्लियर है। बट द फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स इनेबल द फर्दर एक्सटेंशन एट द जॉइंट। अब आप क्या करो, जो फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स के एक्सटेंसर्स हैं, एक्सटेंडेड पोजिशन में आप रिस्ट की एक्सटेंशन करो तो वो ज़्यादा होगी। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप इस पोजिशन में रिस्ट पे एक्सटेंशन परफॉर्म करो वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्यों, यहाँ पे रिस्ट प्राइमरी जॉइंट है। उसके साथ साथ अब आप क्या करो, फिंगर्स को फ्लैक्स कर दो, जब आप फिंगर्स को फ्लैक्स करोगे तो फिंगर्स के जो एक्सटेंसर वो स्ट्रेच हो जाएंगे। इस पोजीशन में फिस्ट बना के आप रिस्ट पे एक्सटेंशन करो तो आपको रुकावट फील होगी, क्लियर है, आपको रुकावट फील होगी। तो ये जो रुकावट दरपेश आ रही है, दिस रिस्ट्रिक्शन इज बेसिकली द पैसिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। द फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स enable the further extension at the wrist, restriction of the range of motion at a joint because of the tightness in two joint muscle is referred as passive joint, clear है, passive insufficiency। तो these both are the muscle insufficiencies, again हर muscle के ऊपर अलग अलग होती है, मैं इसके ऊपर hamstring और quads के ऊपर easy to demonstrate है, मैं इसके ऊपर आप लोगों को demonstration देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। However, two advantages associated, बहरहाल इसको आप लीव कर दो क्योंकि आगे हमारे पास टॉपिक जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मस्कुलर फोर्स जनरेशन, जितने भी मस्कुलर फोर्स जो है जनरेट हो रहे हैं उनके ऊपर जो हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि कितने फैक्टर्स जो हैं वो, डेफिनेटली वो फोर्स के ऊपर है, फोर्स वेलोसिटी, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप है, टेंशन लेंथ रिलेशनशिप है, इसको भी हम स्किप करते हैं, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है, इसको भी हम स्किप करते हैं ताकि देखते हैं अगर कोई टॉपिक और, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल डिले, द टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ अ न्यूरल स्टिमुलस एंड द टेंशन डेवलपमेंट बाय द मसल। जब भी किसी, हमने अभी भी बताया कि जब भी कोई मसल रिस्पॉन्ड करता है तो उसके ऊपर नर्व का स्टिमुलस जाता है, तो जो टाइम डिले होता है ना बिटवीन द अराइवल ऑफ द न्यूरल स्टिमुलस, जब भी न्यूरल स्टिमुलस जाएगा और जहाँ पे टेंशन डेवलप होगी, इनके बीच का जो टाइम गैप है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल डिले, ठीक है। तो वॉट इज द, वेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड अ ब्रीफ पीरियड इलेप्सिस बिफोर द मसल बींग डेवलप द टेंशन। जब भी किसी नर्व के पास स्टिमुलेट आता है किसी मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, तो एक टाइम डिले होता है जब तक मसल टेंशन डेवलप करे, तो जब तक टेंशन डेवलप हो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल डिले। मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस, इनको भी थोड़ा हम जो है वो साथ साथ डिस्क्राइब करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, when scientists excise a muscle form and from an experimental animal and electrical stimulators in a laboratory, they can directly measure the force generated by a muscle. Muscular strain is basically a force generated by a muscle. In a human body, it's not convenient to directly assess the force produced by a given muscle. The most direct assessment for commonly practiced is measurement of the maximum torque. So muscular jo strength क्लियर कहते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ जो मैयर करते हैं वो मैक्सिमली, एक मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है बेसिकली, किसी मसल्स का मैक्सिमम पावर जितना वो जनरेट कर सकता है, द फोर्स या टॉर्क जनरेटेड एट अ मसल मैक्सिमली इज़ द मसल स्ट्रेंथ बेसिकली। तो जिस तरह हमने आइसोमेट्रिक में दिखाया था कि अगर हम वो एक्सटर्नल वेट कैरी कर रहा है तो जैसे ही हम उसका फोर्स मैयर करेंगे तो हमें उसको पता चल जाएगा। तो मसल स्ट्रेंथ बेसिकली द मैक्सिमम फोर्स दैट इज टॉर्क जनरेटेड बाय द मसल। और इंड्योरेंस क्या होती है, इंड्योरेंस रेपिटेशन को हम कहते हैं, ठीक है। एक मसल, मिसाल के तौर पे जो लिफ्टिंग करते हैं, हैवी लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो एक वंस लिफ्टिंग, एक बार लिफ्टिंग करना हो गया, और बार बार अगर एक बार आप लिफ्ट करते हो तो मैक्सिमम जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, तो वो जो मैक्सिमम होगा वो
स्ट्रेंथ आपकी कहलाएगी। लेकिन अगर एक वेट आप 10 मरतबा कैरी कर सकते हो तो वो आपकी एंड्योरेंस कहलाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर 50 kg आप वंस कैरी करते हो तो दिस इज योर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फोर्स दैट इज जनरेटेड बाय द मसल्स वंस, ठीक है। लेकिन इफ़ यू कैन कैरी अ 25 kg वेट फॉर थ्री टाइम्स 10 टाइम्स दैट इज़ द एंड्योरेंस, ठीक है। तो वॉट इज़ द एंड्योरेंस इज अ बेसिकली अ कैपेसिटी टू कैरी आउट अ टास्क जनरेटेड बाय अ मसल फॉर अ मल्टीपल टाइम्स सेवरल टाइम्स। Hopefully all the topics are covered. Sample problems are there. These are the muscular power, power force work जो physics की जो basically definition है, force and velocity की जो product है वो muscular power होता है, ठीक है। Muscle fatigue, when a muscle gets tired, जब भी कोई muscle आप उसकी capacity से ज़्यादा उससे अगर काम लेते हो तो जो in short muscle का जो थक जाना that is the muscle fatigue, ठीक है। और आफ्टर अ हैवी वर्कआउट जब मसल जो है वो उसमें कुछ सोनेस, जिसको मसल ऑनसेट डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोनेस DOMS कहा जाता है, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोनेस, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उसमें पेन भी हो जाती है और समटाइम इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, ये कॉमन इंजरीज हैं, ये क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में जो वो आ जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 6 बायोमैकेनिक्स चैप्टर 6। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम हियर लाइव फॉर द 5 मिनट्स मोर सो दैट आई कैन आंसर यू। नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बायोमैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमने बायोमैकेनिक्स के सीरीज़ के ऊपर फोकस करना है। लेकिन ये ऑन डिमांड था चैप्टर 6, इसीलिए जो है हमने इसके ऊपर फोकस किया। लेकिन नेक्स्ट सेशन जो हमारा बायोमैकेनिक्स चैप्टर 1 के ऊपर होगा। वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू अमर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हो, हमारे पास अभी भी 4 मिनट्स 5 मिनट्स हैं हमारे पास। तो बायोमैकेनिक्स चैप्टर 5 ऑलरेडी क्लियर है, 6 आज हो गया, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो ऑन द डिमांड ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हम इसके ऊपर करते जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर पावर सेम टर्म? नहीं अनमोल, नहीं बेटा, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर पावर अलग चीज़ है। मस्कुलर स्ट्रेंथ कह लें कि किसी चीज़ की ताकत, और पावर जो है वो एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोर्स एंड वेलोसिटी के ऊपर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मसल जो है वो पावर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जब आप उसकी वेलोसिटी के साथ कंपेयर करके उसकी प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका पावर निकल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो उसकी ताकत है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम टार्क दैट इज जनरेटेड दैट अ मसल कैन जनरेट इज द मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। सर स्लो फाइबर्स पोस्टरल कंट्रोलिंग होते हैं? यस, पोस्टरल कंट्रोलिंग, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पोस्चर है ना वो किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं करता। पोस्चर ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैं आधे घंटे के लिए किसी पोस्चर में बैठूं तो मेरा पोस्चर एबनॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे पोस्चर मेंटेन करने के लिए मुझे वो मसल्स दरकार हैं जिसमें स्लो ट्विच फाइबर्स हों, क्योंकि स्लो ट्विच फाइबर दे आर बेसिकली यूज फॉर द एंड्योरेंस, जो कि लॉन्ग टर्म पोस्चर डेवलप होता है, लॉन्ग टर्म एक्शन परफॉर्म होता है ना, उसके लिए हमें वो स्लो ट्विच फाइबर, इसीलिए स्लो ट्विच फाइबर जो पोस्चरल कंट्रोलिंग होते हैं या पोस्चरल कंट्रोलिंग जितने भी मसल्स हैं उसमें स्लो ट्विच फाइबर्स का हायर कंसंट्रेशन होता है। कीप इन माइंड, जिस तरह डॉक्टर निदा का सवाल था कि एक मसल जो दोनों फाइबर्स बिल्कुल पॉसिबल हैं, तो जो स्लो ट्विच हैं वो उसमें हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। तो हर वो एक्टिविटी जो आपकी ज़्यादातर चलनी है, मिसाल के तौर पर जितनी भी आपकी साइकिलिंग है या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अगर आपने उनको स्ट्रेंथ देनी होती है तो आपने उसके स्लो ट्विच फाइबर्स को ज़्यादा एक्टिवेट करना। तो ऑल द मसल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्चर, जिसमें इरेक्टर स्पिनी जितने भी हैं, काफ मसल्स भी हैं, उसमें जो स्लो ट्विच फाइबर्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो स्लो ट्विच फाइबर्स पोस्चरल कंट्रोलर हैं, और उसका जवाब ऑलरेडी है कि वो इंड्योरेंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उसके अलावा एनीथिंग एल्स? टेंडन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन इलास्टिक क्यों होते हैं? टेंडन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है। देखें, कॉन्ट्रैक्टाइल दो किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इनर्ट स्ट्रक्चर ना। इनर्ट स्ट्रक्चर में आपके जितने भी कैप्सूल बरसात वगैरह सारे आ गए, ठीक है। टेंडन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता, टेंडन में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखिए, क्यों नहीं होता और नॉन इलास्टिक क्यों नहीं होते वो अलग चीज़, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखें, अगर टेंडन इलास्टिक हो जाता ना तो मसल्स की जो पोजीशन है, जो जॉइंट की पोजीशन, वो समटाइम रीलोकेट कर लाती। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ को पुल करना है, मैं मिसाल दूंगा, अगर आप किसी वेट को मिसाल के तौर पे आप किसी चेयर को कैरी करते हो,
डायरेक्टली अगर आप हाथ से चेयर को कैरी करते हो तो वो आपके लिए इजी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप उस चेयर में जो है वो कोई रबड़ या कोई इलास्टिक बैंड बांधो और वहाँ से कैरी करो, तो इट इज़ क्वाइट हार्डर टू कैरी। तो अगर मसल एक बोन पे अटैच है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टल इतना नहीं होता टेंडन, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अगर टेंडन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टल होता, ज़्यादा इलास्टिक होता मिसाल के तौर पे, बिल्कुल रबड़ की तरह, तो जब हम बोन को पुल करते तो पहले वो एक पॉज लेता, पहले वो खुद खींचता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टल है, क्योंकि वो इलास्टिक है, पहले वो खुद खींचता फिर बोन को जो वो पुल करता, तो इट विल टेक टाइम। इसीलिए टेंडन जो है वो कम कॉन्ट्रैक्टल, कम इलास्टिक होते हैं, ठीक है। वाइल द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टल, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मसल्स कॉन्ट्रैक्टल इसीलिए हैं क्योंकि मसल्स की दो एंड है, टेंडन के दो एंड नहीं होते। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन के साथ अटैच करता है बोन को पुल करने के लिए। अगर मसल भी टेंडन भी जो है वो इलास्टिक होता तो डेफिनेटली जब आप उसको पुल करते तो वो पहले खुद स्ट्रेच होता फिर जाके बोन को स्ट्रेच करता। और मसल्स कॉन्ट्रैक्टल इसीलिए क्योंकि उसने फोर्स टार्क जनरेट करना है, उसने मूवमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है। और टेंडन ने कोई मूवमेंट नहीं परफॉर्म करनी, टेंडन का बेसिक फंक्शन है मसल को बोन के साथ अटैच करना, दैट्स इट, ठीक है। और टेंडन जो दूसरा सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट है, ठीक है। वाइल द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टल में जवाब दे चुका हूँ। वाई रेंज ऑफ मोशन इज हायर इन डेल्टॉइड मसल, ये तो कोई मतलब कह लें कि ये कोई लाजम नहीं है। आप रेंज ऑफ मोशन डेल्टॉइड मसल की हाई है, ये तो कोई ऐसा मतलब कह लें कि कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। हर वो मसल जिसको आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग देते हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग के ऊपर हमने अलग से सेशन दिया था, तो आप उसको पुल कर सकते हो, ठीक है। आप उसको पुल करोगे तो उसकी रेंज उधर हाई हो जाएगी। रेंज ऑफ मोशन डेल्टॉइड मसल की हाई लाजम नहीं होती, आप किसी और मसल पे अगर ज़्यादा काम करो तो उसकी भी आप हाई कर सकते हो, ठीक है। तो मसल की तीन रेंजेस है, मेरी इसके ऊपर अलग से जो है वो वीडियो बनी हुई है, आप काइंडली वो भी जाके देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द ऑब्लिक फेसिकुला, इट हैज़ लेस रेंज ऑफ मोशन, डेफिनेटली। देखो ना, 10 बंदे हैं, अगर एक टास्क परफॉर्म करें तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उस 10 में पैरेलल की बजाय पीनेट मसल्स है तो हर कोई अपना अलग अलग फोर्स जनरेट करेगा। तो आपका जवाब ये भी ठीक है कि उनमें जो है वो डेल्टॉइड में जो है वो पीनेट मसल, और सिर्फ डेल्टॉइड में पीनेट मसल्स नहीं होते, ठीक है क्वेश्चन, बाकियों में ही होते। तो जहाँ जहाँ पे पीनेट मसल फाइबर्स होंगे, जब उसमें फोर्स जनरेट होगा, जब उसमें टेंशन डेवलप होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हर कोई अपने एंगल पे, हर कोई अलग टेंशन डेवलप कर रहा है। लेकिन जो पैरेलल होंगे, जब वो एक साथ एक डायरेक्शन में, इसीलिए उसकी रेंज ज़्यादा होगी। जिस तरह पैरेलल का बेस्ट मिसाल सर्टोरियस है, ठीक है। टेंशन इज अ शीथ ऑफ, टेंडन इज अ शीथ ऑफ द मसल कंटिन्यूस आई एक्टेड मायोसेल्फ टू बेली एंड होंगी, सो बेली इज द कॉन्ट्रैक्टल। थैंक यू डॉक्टर निधा फॉर क्लियरिंग। द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रलाइजर एंड, देखो फिक्सेटर जो है वो स्टेबलाइजर है, ठीक है, स्टेबलाइज करता है वो। जो न्यूट्रलाइजर है वो दूसरे को न्यूट्रलाइजर ये, जिस तरह एसिड बेस होता है ना, एसिड बेस जो हम पढ़ते हैं, एसिड बेस क्या करते हैं, एक दूसरे की चीज़ को काटना। तो न्यूट्रलाइजर क्या होते हैं कि जो अनवांटेड मूवमेंट्स हैं उनको काट के मसल, मिसाल के तौर पे आप तीन चीज़ें मूवमेंट इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हो, मिसाल के तौर पे जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करें उसके साथ साथ प्रोनेशन भी तो हो रही है ना, तो उस प्रोनेशन तो अनवांटेड है क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एल्बो की फ्लेक्शन चाहिए। तो उस प्रोनेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है। ब्रेन क्या करता है, उसके जो सुपिनेटर्स हैं उसको एक्टिव कर देता है, और वो जो फिक्सेटर वो फिक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने रोटेटर कफ का मिसाल दिया ना, तो फिक्सेटर दे आर द स्टेबलाइजर इन आर्डर, वो अनवांटेड मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं करते, वो जॉइंट को, किसी भी जॉइंट को, रोटेटर है तो शोल्डर को स्टेबलाइज करते ताकि कोई डिसलोकेशन ना हो, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चन का जो है, मैं असल में लाइट जो है वो चली गई है, तो मैं कम किसी भी वक्त जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन का जो है वो मैं आंसर कर दूंगा कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मॉलेक्युलर एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बायोमेकेनिक्स चैप्टर 6। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन इन कमेंट्स, नो इशू, नो डाउट। एंड इन नेक्स्ट जो है हम आगे चल के हम किस सीरीज पे जो बात करेंगे या किस सेशन की बात करेंगे, उसके लिए आप जो है वो अपडेटेड रहें, टच में रहें। तो लाइट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो इसीलिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी, एंड इसको जो है वो शेयर भी करें ताकि आपके जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट, वो इससे जो है वो फ़ायदा ले सकें। और दूसरी चीज़ मैंने आपके साथ ये शेयर करनी थी कि अगर कोई भी सेशन हो या कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक जो आपने रिपीट कराना, तो आप स्टूडेंट्स मिलके जो है वो इस चैनल पे जो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिएगा, कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी। आप सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी की फेसबुक के पेज पे भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं और चैनल के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सी एम टी, स्टे होम, स्टे सेफ।